Well, Dr. Kelvin Lowe, Chief Executive Officer at the Mount Elizabeth Hospital, saying we are very sad to report that the patient passed away peacefully at 4:45 a.m. on the 29th December 2012. That's Singapore time. Starting once again this morning with the big story, it's been over 2 days since a 23-year-old was gang raped, beaten and thrown off the bus here in the national. जिसके बाद जो बस के अंदर बाकी लड़के और थे जो कि शराब के नशे में धुत थे, उन्होंने लड़के और लड़की के ऊपर कमेंट करने शुरू किए, जिस बात पर झगड़ा बढ़ गया और पहले उन्होंने लड़की के दोस्त की जमकर पिटाई की और उसके बाद लड़की से बलात्कार शुरू कर। दिल्ली में हुई गैंग रेप की वारदात से महिलाएं सहमी हुई हैं। जो छात्रा इस बलात्कार का सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई है उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। बहुत हालत गंभीर है इस वक्त, काफी नाजुक है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से ये वारदात हुई और जिस तरीके से लड़की को चोट आई है उससे डॉक्टर कह रहे हैं उनको बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कल ऑपरेट भी किया गया था लेकिन जो पेट की आंतें हैं और जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो इतनी रप्चर हो चुकी हैं कि ब्लीडिंग लगातार हो रही है और इस ब्लीडिंग को रोक पाना डॉक्टरों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। मैं अंतरा, अब बहुत हो चुका, अब मैं और जीना नहीं चाहती, करना भी क्या है ऐसी जिंदगी का। माँ तो कहती है सब ठीक हो जाएगा पर मेरा दुख मैं ही समझ सकती और कोई भी नहीं, कोई नहीं। पुलिस कहती है कि बेटा आप ठीक हो जाओगे और आपके साथ इंसाफ होगा पर मैं बोल नहीं सकती कि कहां थे आप जब मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक हो रहा था। क्या गलती है मेरी? मां कहती है बेटा ग्रेजुएशन करो, लाइफ अच्छी हो जाएगी। क्या अच्छी है मेरी लाइफ, क्या मिला? बदनामी। कल तक सब ठीक था, खुश थी कि अमन के साथ मूवी जाऊंगी पर मुझे क्या पता था कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। हम दोनों मूवी के बाद घर के लिए निकले, रोड पर ट्रैफिक बहुत कम था, मैंने कहा टैक्सी करके चलते हैं। इतने में अमन की आवाज आई, बस आ गई। बस में हमारे अलावा सिर्फ 5 लोग और थे, बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे सब। मैंने अमन को कहा कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो कुछ बोलने ही लगा था कि उनमें से एक लड़के ने अमन से पूछा कहां से आ रहे हो। अमन कहता आपको इससे क्या मतलब। इतने में तो उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया और एक आदमी ने मुझे सीट से उठाया और घसीटने लगा और वो लोग अमन को रॉड से मार रहे थे। हम दोनों ही चीख रहे थे। इतने में उन दरिंदों ने मेरे कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, रोने से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और वो फाड़ते चले गए। एंड दे रेप्ड मी, ईच एंड एवरीबडी वाज ऑन मी, आई वाज क्राइंग लाइक हेल। और वो दर्द सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ और कोई नहीं। रेप जिससे सब लड़कियां डरती हैं और ये मेरे साथ भी हुआ, पर क्यों, पर क्यों उन्होंने वो रोड, लोहे की रोड मेरी Oh
Help!